नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से ग्रह के लिए कितने मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो हमसे बोलते हैं कि आपका ये वाला जो ग्रह है वो खराब है, इसलिए आप इस ग्रह की जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कितने मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि मंत्रों की अगर संख्या सही नहीं है, ऐसा नहीं कि हम किसी भी ग्रह के लिए कितने भी मंत्रों का जाप कर दें, ऐसा नहीं होता। उसकी एक पर्टिकुलर संख्या होती है जिसके हिसाब से ही हमको जाप करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ग्रह के लिए कितने मंत्रों का जाप किया जाता है। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूर्य की। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, कुपित है, या वो अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो हमें सूर्य के मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अब सूर्य के मंत्रों का कितना जाप है? तो सूर्य के मंत्रों का 7000 जाप करना पड़ता है, यानी 7000 मंत्र का जाप करना पड़ता है सूर्यदेव के लिए। और सूर्यदेव का मंत्र क्या है? ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप 7000 बार जाप करते हो तो आपकी कुंडली में जो उसका कुप्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे ग्रह। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब है तो चंद्रमा ग्रह को ठीक करने के लिए, उसके कुप्रभाव से बचने के लिए आपको 11000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। और वो 11000 मंत्र कौन से? वो है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप 11000 बार जाप करके उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए या उसको सही रास्ते पे लाने के लिए या उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको 10000 की संख्या में, यानी 10000 जाप करना पड़ेगा। और 10000 किस मंत्र का जाप करना पड़ेगा? मंत्र है वह ओम भौम भौमाय नमः। ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप मंगल के कुप्रभाव से बच सकते हो। बात कर लेते हैं हम बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, बुध ग्रह को अपने पक्ष में लाने के लिए आपको 9000 बार, यानी कि 9000 की संख्या में आपको जाप करना पड़ेगा। और जो मंत्र रहेगा वो मंत्र क्या रहेगा? ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम बृहस्पति या गुरु ग्रह की। बृहस्पति ग्रह को अगर ठीक करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ठीक नहीं है, तो आपको 19000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, 19000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करके आप बृहस्पति ग्रह को ठीक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब शुक्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो आपको 16000 बार मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और 16000 जो मंत्र है वो कौन से मंत्र का जाप करोगे? वो है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके आप अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम शनि ग्रह की, जो कि सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। तो शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, अपनी फेवर में लाना चाहते हैं, तो आपको 23000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और जो 23000 मंत्र है वो कौन से होंगे? ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप 23000 बार जाप करके आप शनि ग्रह को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह की, क्योंकि देखिए शनि राहु और केतु ये तीन ग्रह खतरनाक माने जाते हैं। तो अगर राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो आपको 18000 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम राम राघवय नमः। ओम राम राघवय नमः के का जाप करके आप राहु ग्रह को अपनी तरफ खींच सकते हो, अपनी तरफ कर सकते हो। चलिए लास्ट में जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब है तो उसको ठीक करने के लिए, केतु ग्रह को अपने फेवर में करने के लिए आपको 17000 बार ओम केम केतवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो तो राहु ग्रह के कुप्रभाव से आप बच सकते हो। चलिए अभी तो मैंने बता दिया आपको कि कौन से ग्रह का कितनी बार जाप किया जाता है, ये मैंने आपको संख्या बता दी। चलिए इस वीडियो में ये तो जान लिया कि कौन से ग्रह के लिए कितनी बार या कितनी की संख्या में आपको जाप करना पड़ेगा, लेकिन किस मंत्र को, किस ग्रह के मंत्र को किस माला से आपको जाप करना है, ये हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे कि कौन से मंत्र का जाप करने के लिए या किस ग्रह के मंत्रों का जाप करने के लिए कौन सी माला का आप यूज करोगे। आप रुद्राक्ष की माला से आप जाप करोगे या तुलसी की माला से जाप करोगे या स्फटिक की माला से जाप करोगे, क्योंकि हर माला का अलग अलग प्रभाव है। बहुत सारे ग्रह जो है हर माला से जाप उसका नहीं कर सकते,
हर ग्रह के लिए एक पर्टिकुलर माला होती है जिसके थ्रू आप उसका जाप करो तो उसका ज्यादा परिणाम मिलता है। वैसे तो आप किसी भी माला से कोई से भी ग्रह का जाप कर सकते हो, जैसे तुलसी की माला ली आपने सभी का जाप कर सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना उस ग्रह की पर्टिकुलर माला से अगर आप जाप करोगे तो उससे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन सी ग्रह के लिए कौन सी माला से उसका जाप किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। आज्ञा, जय हिंद।